दिवाली में मिला कंपनी से बोनस, तो इस तरह करें इसका सही इस्तेमाल, मिलेगा तगड़ा रिटर्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रथा अरोड़ा। दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस त्योहार की शुरुआत धनतेरस के साथ होती है और गोवर्धन पूजा और भैया दूज के साथ ये उत्सव समाप्त होता है। दिवाली से पहले कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों ने डीए में बढ़ोतरी की है। इसके बाद से लोगों को पुराने महीनों की एरियर भी मिलेगा। इसके साथ ही कई प्राइवेट और सरकारी कंपनियां अपने कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर बोनस का गिफ्ट देते हैं। ऐसे इस बोनस का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो बोनस में मिली राशि निवेश के हिसाब से बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप इसका सही ढंग से यूज करें तो ये आपको फ्यूचर में बहुत मदद कर सकती है। अगर आप भी इस साल मिले दिवाली बोनस का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम आपको निवेश के कुछ शानदार ऑप्शन यानी इन्वेस्टमेंट टिप्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं ये ऐसी इन्वेस्टमेंट टिप्स के बारे में। पहली, अपने बकाया लोन चुकाएं। लोन एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल जिम्मेदारी होती है। ऐसे में अगर आप अपने होम लोन या कार लोन जैसे कर्ज को जल्द से जल्द चुकाना चाहते हैं तो इसके लिए आप दिवाली बोनस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि उस लोन को सबसे पहले चुकाएं जिस पर आपको ज्यादा ब्याज दर देना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड पर ग्राहकों को सबसे ज्यादा ब्याज दर देना पड़ता है। ऐसे में आप दिवाली बोनस से पहले अपने पुराने कर्ज को चुका सकते हैं। दूसरा, बोनस से बनाए इमरजेंसी फंड। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लोगों को हमेशा इमरजेंसी फंड रखना की सलाह देते हैं। ध्यान रखें कि ये फंड आपकी सेविंग से हटकर होना चाहिए। ये राशि इतनी होनी चाहिए तो आपकी नौकरी ना रहने की स्थिति में घर का 6 महीने का खर्च उठा सके। आप इमरजेंसी फंड के लिए FD, म्यूचुअल फंड, गोल्ड आदि ऑप्शन में निवेश कर सकते हैं और जहां से आपको बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। तीसरा, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें। अगर आपने अभी तक अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदा है तो उसे जल्द से जल्द खरीदें। ज्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, लेकिन बीमारी के समय ये आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी साबित हो सकता है। आप अपना और अपने पूरे परिवार के लिए दिवाली बोनस से हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। चौथा, अपने निवेश को बढ़ाएं। अगर आप कहीं नई जगह निवेश नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने पुराने स्कीम में ही निवेश को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे आप म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए अगर 100 रुपए निवेश कर रहे हैं तो इसे बढ़ाकर आप 200 या 300 कर सकते हैं। इससे भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। इसके साथ ही आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की ताज़ा खबरें जानने के लिए ट्रिगर न्यूज़ को फॉलो करें।